जी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 लेट ए एंड बी 2x3 मैट्रिसेस एंड C and D be 2 square matrices. Which of the following matrix operations? Which of the following matrix operation are defined for those which are defined For those which are defined, give the dimension. Give the dimensions of the resulting matrix. Of the resulting matrix. Number first है A plus B. नंबर सेकंड है बी प्लस डी नंबर थर्ड है 3a-2c नंबर फोर्थ है 7c+2d अब इस क्वेश्चन का मकसद ये दिस क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल इसको हमने किसी ने सॉल्व नहीं करना है वैसे बताना है कि ये किस तरह है क्वेश्चन में हमसे ये पूछते हैं कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2x3 है यानी 2 rows and 3 columns हैं इसमें ए और बी का और सी और डी जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं मतलब ये कि 2x2 है 3x3 है खैर हम इसको 2x2 लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके जिस तरह मैंने टॉपिक बताया है आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके रोज और कॉलम एक जैसे हों तो 2x2 इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड 2x3 इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए और बी मैट्रिसेस हैं और इनका हर एक का ऑर्डर 2x3 है तो इनके एडिशन से जो डायमेंशन आता है वो बताएं तो ज़ाहिरी बात है जब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2x3 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2x3 है तो ए प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा शाबाश ए प्लस बी का ऑर्डर भी वही होगा जो ऑर्डर ए और बी का होगा सो नंबर वन का आंसर है ए प्लस बी ये तो डिफाइंड अच्छा पहली बात तो नहीं कह कि उन मैट्रिसेस का डायमेंशन आप लिख ले जो डिफाइंड हो यानी जो ऐड हो सकते हो तो इसमें आप देख लेना ये फर्स्ट डिफाइंड है और ये लास्ट वन डिफाइंड है ये दोनों डिफाइंड नहीं है डिफाइंड क्यों नहीं है आप देख लें इसमें ए और बी है ऑफ द सेम ऑर्डर तो सेम ऑर्डर जी भी मैंने अब बताया टॉपिक के स्टार्ट में बताया है कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं तो ए और बी को हम ऐड कर सकते हैं बी और डी को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बी का ऑर्डर और डी का ऑर्डर डिफरेंट है इसी तरह ए और सी का ऑर्डर भी डिफरेंट है इसी तरह सी और डी का ऑर्डर सेम है तो इन दोनों का ऑर्डर सेम सेम है तो इन ये दोनों डिफाइंड है और ये दोनों अनडिफाइंड है तो उन्होंने बताया है क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कि अनडिफाइंड को अभी आप छोड़ दें जो डिफाइंड है उनका डायमेंशन आप बताएं तो डिफाइंड का डायमेंशन ये है कि ए का डायमेंशन 2x3 है बी का डायमेंशन भी 2x3 है तो बी ए प्लस बी का डायमेंशन भी 2x3 होगा 2x3 यानी ए प्लस बी का डायमेंशन 2x3 है जो डायमेंशन ए का है जो डायमेंशन बी का है तो वो ए प्लस बी का भी है
दूसरी ये दोनों तो जो है अनडिफाइन है। नंबर फोर्थ को आप देख लें, सी और डी का ऑर्डर 2x2 है, एक जैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डायमेंशन भी 2x2 है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू।